आगरा की सेंट्रल जेल में कैदी सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। मुस्लिम कैदी नवरात्रि उपवास रख रहे हैं, जबकि हिंदू कैदी रोजे रख रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का 9 दिवसीय हिंदू उत्सव चैत्र नवरात्रि 22 मार्च को शुरू हुआ। वहीं मुसलमानों के पवित्र रमजान महीने की शुरुआत इसके अगले दिन से हुई। भारतीय संविधान और भारतवर्ष विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय लिंग के लोगों का देश है। भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और वहाँ पर किसी धर्म जाति का नाम न लेते हुए कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए। तो ये तभी बन पाएगा जब हम में आपस में अपना गतिरोध कम हो। जेल के मंदिर में दोनों समुदायों के कैदियों को भजन गाते हुए देखा जा सकता है। कैदी नौशाद का कहना है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बढ़िया उत्सव मना रहे हैं, जैसे आरती होते हैं हमारे मुसलमान भाई बहुत शामिल होते हैं, रोजा खुलता है हिंदू भाई बहुत शामिल होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, कोई भेदभाव नहीं होता है। जेल प्रशासन ने नवरात्रि का व्रत रखने वाले कैदियों के लिए फल और दूध की व्यवस्था की है। रोजा रखने वालों के लिए उपवास तोड़ने के लिए खजूरों का इंतजाम है। पहले नवदुर्गा हमारी चालू हुई, नवदुर्गा रह रहे हैं और रमजान भी रह लेंगे हम तो, और सब मुस्लिम भाई हिंदू भाई मिलकर रह रहे हैं। और यहाँ पर देवी मैया का भजन हुआ था, उसमें सब हिंदू भाई मुस्लिम भाई शामिल हुए हैं, प्यार से रह रहे हैं सब, और जेल के अधिकारी भी बढ़िया आदमी हैं, फल फ्रूट सब चीज दे रहे हैं। अधिकारियों ने जेल में भागवत कथा भी रखी है। 31 मार्च को जेल में खास भंडारा भी किया जाएगा।